हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग रिवीजन वीडियो देखेंगे, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे, है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा तरह से लिख सके, ठीक है। चलिए देखिए, बारी बारी से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और आपको बस करना क्या है, इस सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके, ठीक है। चलिए, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बोलिए, ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कौन बताएंगे, चलिए हम ही बताते हैं। दिया हुआ फाइंड एक्स, क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड एक्स इफ 7/8 to the power -5 into 7/8 to the power -3 is equal to 7/8 to the power -x है। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग के पास क्या बोलो, 7/8 to the power -5 into 7/8 to the power -3 is equal to 7/8 to the power -x है। देखिए क्या, 7/8 to the power -5 into 7/8 to the power -3 is equal to 7/8 to the power -x है। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना, x^m = x^m+n होता है। अगर इंटू में रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, 7/8 to the power -5 है इंटू 7/8 to the power -3 है। तो देखिए ये और ये बेस दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा 7/8 to the power -5 होगा, फिर प्लस, देखिए प्लस है, फिर यहाँ पे क्या -3। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये 7/8 to the power -5 इंटू 7/8 to the power -3 दोनों का बेस देखिए सेम है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा 7/8 to the power -x है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/8। अब इधर से बोलिए -5 और -3 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इधर से 7/8 to the power -x है, ठीक। अब इसको ढक देंगे दोनों को, तो क्या बचेगा, -8 = -x, -- कट जाएगा, तो x = 8। देखिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 5/3 to the power 2x - 1 है, और 5/3 to the power 6 इंटू 5/3 to the power -3 है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग के पास क्या क्या गिवन में है, क्या क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ 5/3 to the power क्या है, 2x - 1 है, और उस तरफ हमारा क्या है, 5/3 to the power 6 इंटू 5/3 to the power -3। देखिए तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है कि यहाँ से देखिए, ये इधर ये देखिए 5/3 अकेला दिख रहा है, यहाँ 5/3 दो को दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 5/3 को एक साथ करेंगे। तो देखिए इंटू में, तो फॉर्मूला बताया था ना, x^m × x^n, तो x^m+n होता है। तो ये क्या होगा, 5/3 to the power 2x - 1 है, और ये 5/3 to the power कितना हो जाएगा, इंटू में तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 6+ - 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 to the power 2x - 1, और ये 5/3 to the power 6 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 5/3, यहाँ पर 5/3, दोनों को ढक दीजिए, तो क्या बचेगा, 2x - 1 = 3 हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, एक इसको x का वैल्यू निकालना, इसको इधर ले आओ, तो 2x = 3+1 होगा, तो 2x = 4, तो x = 4/2 काट देंगे 2 से, तो x = 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 × 3^2 a × 3² = 9 × 3^6 है। क्या 9 × 3^2 a × 3² है, फिर 9 × 3^6 है,
तो यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या, 9 × 3⁻²² है, × 3² है, और इधर 9 × 3⁻⁶ है, ठीक। देखिए तो इस तरफ भी 9 है, इस तरफ भी 9 है, इस 9 को काट दीजिए तो क्या बचा, 3⁻²² × 3² और इधर 3⁻⁶ है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए इसका बेस सेम सेम है और दोनों इंटू में पावर ऐड में हो जाएगा, मतलब ये 3⁻³ हो जाएगा, 2a + 2 = 3⁻⁶ हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ढक दीजिए 3 को, तो हो गया 2a + 2 = 6। अब इस 2 को उधर ले चलिए तो 2a = 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना, 6 तो अपना जगह पे है, तो 2a = हो जाएगा 4। तो यहाँ से a निकालेंगे तो 4/2 कट के 2 आ जाएगा, मतलब a = हमारा 2 आ गया, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो बहुत आसान था, आपको करना क्या, बस इस वीडियो को 3-4 बार देखना है ना, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कहाँ कैसे बन रहा है, सो ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टाइप थोड़ा चेंज हो गया है ना। अब है डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय दियर डिफरेंस। इस क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय दियर डिफरेंस, मतलब इसको डिवाइड करना किसको, ये दोनों का जो सम आएगा उसको डिवाइड करना किससे, इसका डिफरेंस से, मतलब ये दोनों को पहले सम करना है और फिर ये दोनों को डिफरेंस करना है, और जो आएगा सम करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसका डिफरेंस से। तो यहाँ पे अगर हम सम निकालेंगे, देखिए अगर हम सम का बात करें तो कितना होगा बोलो, सम ऑफ किसका किसका, सम ऑफ 65/12 एंड किसका 8/3, ये दोनों का पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ 65/12 एंड 8/3, ये दोनों का क्या करना है, सम निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा बोलिए, ये 65/12 हो गया प्लस 8/3, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का टेबल में एक बार में आएगा तो ये 65 हो गया, प्लस 12 का टेबल में 4 बार में आएगा, 4×8=32, ठीक है। अब ये 5 × 2=7 हो गया, और 6 × 3 कितना हो गया, 9, तो 97/12 आ गया, क्या आया इसका सम आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है, तो निकालेंगे डिफरेंस ऑफ किसका किसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 65/12 एंड 8/3, तो डिफरेंस का मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे होगा बोलो, ये 65/12 माइनस क्या हो जाएगा 8/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 × 12 तो ये 65 हो गया, माइनस 3×4=12 तो 4×8=32, तो 5 × 2 तो 3 हो गया, 6 × 3 तो 3, मतलब ये आपका 33/12 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना किसको, इसको इससे डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड क्या है बोलो, 97/12 / 33/12, तो क्या होगा, 97/12 को डिवाइड करेंगे किससे, 33/12 से, ठीक। तो ये डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 97/12 डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/13 ये 12 कट जाएगा, तो 97/33 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which number should be added to इतना to get इतना, Which number should be added to इतना to get इतना, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, Which number should be added to इतना to get इतना,
मतलब माइनस फाइव बाई एट में क्या जोड़ेंगे कि फाइव बाई नाइन आएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ेंगे, मतलब माइनस फाइव बाई एट में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट फाइव बाय नाइन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि विच नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे कि इतना आएगा, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे x, तो यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी क्या x, ठीक। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें x जोड़ेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना, तो जब x निकालेंगे तो ये 5 बाय 9 है, तो ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 बाय 8, ठीक है। यहाँ रहे यहाँ ही रहे यहाँ रहे उससे कोई फर्क नहीं है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में ही हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 8 जा 72, तो 8 5 जा कितना होगा 40, प्लस 8 9 जा 72, तो 9 5 जा 45, मतलब ये 95 बाय 72, मतलब एक्स इक्वल टू 95 बाय 72 होगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर बाय डायगोनल मेथड। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर बाय डायगोनल मेथड, ये जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर निकालना है, कौन सा मेथड से, डायगोनल मेथड से। तो देखिए डायगोनल मेथड में क्या किया जाता है, जरा समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 है, मतलब इसमें दो डिजिट है और इसमें तीन डिजिट है, ठीक है। तो इसको करना क्या, यहाँ पे कितना है, दो डिजिट है, तो पहले आपको क्या करना है, डायगोनल मेथड के लिए एक स्क्वायर बनाइए, ठीक। और उसमें कितना है, देखो ये दो डिजिट है, तो इसको इधर से दो हिस्सा में बांटिए और इधर से भी दो हिस्सा में बांटिए, बांट दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखे 25 और फिर इधर लिखना है 25, देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं। सो अगर मान लो इसको करना, यहाँ पे कितना तीन डिजिट है, मतलब क्या करना है बोलिए, एक स्क्वायर बनाइए पहले, क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ये ज़रा अच्छा नहीं बना, इसको फिर से बना देते हैं, ज़रा ध्यान दे के बनाइएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना है, तीन, इधर से खींचो और इधर से खींचो, तीन हो गया। चलो 1 2 5 लिखो, 1 2 5 लिखो, लिख दिए। चलो पहले एक तरफ से सिमट लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब करना क्या बाबू, डायगोनल मेथड है, डायगोनल मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ये डायगोनल हो जाएगा, देखो ऐसे है ना। उसके बाद देखो टेबल जो पढ़ेंगे वो डायगोनली पढ़ेंगे, तो कैसे, देखो 2 है, 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, देखो 2 को 2 से फिर 2 को 5 से, ऐसे 2 2 जा 4, ऐसे 2 2 जा 4, तो 4, तो इसको दो डिजिट बनाएंगे, मतलब आगे जीरो लगा के दो डिजिट बना देना है, ठीक है, टू डिजिट नंबर। देखो 2 2 जा 4 हुआ ना, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक। अब आगे देखो, फिर 2 5 जा 10, देखो ऑलरेडी ये दो डिजिट है, 2 5 जा 10, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक। फिर देखो 5 2 जा 10, तो यहाँ 1 और यहाँ 0, फिर 5 5 जा 25, तो यहाँ 2 और 5। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या किए, 2 2 जा 4, तो 0 4, 2 5 जा 10, 1 0, 5 2 जा 10, 1 0, 5 5 जा 25, 2 5, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें अच्छा इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अब यहाँ से देखो ये वाला जो लाइन है डायगोनल, उसके नीचे कितना 5, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक। अब उसके बाद ये वाला लाइन हो गया, अब ये वाला डायगोनल में देखिए कौन कौन है, 0 2 0 है, इसको ऐड करके लिखना है, 0 2 0 को ऐड करेंगे तो 2 होगा, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखना है। उसके बाद फिर इसमें देखिए कितना है, 1 4 1, तो 4 1 5 और 1 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, ऐसे लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या किया जाता है, आप इसमें 0 तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत आसान तरीका है, इसके बाद लिखने के बाद सबको दो दो डिजिट बनाना है, तो उसके लिए आगे 0 लगाना होगा, इसमें भी 0 लगाना होगा, इसमें भी 0 लगाना होगा, ठीक। उसके बाद ये वाला लास्ट वाला को छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको जो 0 इसको आगे जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा बोलो, ऐड करेंगे तो 0 2 आएगा, फिर ये 2 को छोड़ देंगे, फिर ये 0 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 6 आएगा, ठीक। उसके बाद
फाइनली जब हम लोग 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना कितना आया, 0, 6, जो जो इधर इसको तो यहाँ वाला को पूरा लिखना है ठीक, और उसके बाद इधर जो छोड़ते हैं उसको लिखते हैं, तो यहाँ पूरा कितना है 0, 6, और इधर छोड़े कितना थे 2, और इधर कितना छोड़े थे 5 थे, तो इसको 0 लिखने का जरूरत नहीं है, ये 625 यही हो गया आंसर ठीक है। इसके आगे 0 लगा देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पीछे अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप देखो अब इसको 125 वाला को अगर देखेंगे तो बोले ना 125 125 ऐसे लिख दिए, अब इसको ऐसे इसको इसको बांटो डायगोनली, इस तरह से इसको बांट दो डायगोनली, देखो बांट दिया डायगोनली ठीक। तो अब इसको 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, तो 1 को 2 डिजिट बना रहा था, ऐसे नहीं लिख देंगे वो 10 हो जाएगा, कहाँ लिखेंगे 0 आगे लिखेंगे, तो 0 1 होगा, मतलब यहाँ 0 और 1 होगा ठीक। 1 और 2 को इंटू करेंगे तो 2 होगा, 1 और 2 को इंटू करेंगे तो 2 होगा, मतलब 2 को 2 डिजिट बनाना ताकि 0 लगा दो, तो यहाँ होगा 0 2 ठीक। अब कितना बोलो 1 5 5 तो 5 होगा, मतलब 0 और 5 लिखेंगे ठीक है। 2 1 2 मतलब 0 और 2, 2 2 4 मतलब 0 और 4, 2 5 10 मतलब 1 और 0 ठीक। अब देखिए 5 1 5 मतलब 0 और 5, 5 2 10 मतलब 1 और 0, 5 5 25 मतलब क्या होगा 2 और 5 होगा ठीक है, ये लिख लिए। अब पता है ना क्या करना है, अब तो बताए थे क्या करेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला डायगोनल वाला 9 है, इसके नीचे कितना 5 लिखेंगे 5 ठीक। उसके बाद इसके और इसके बीच में जो है कितना 0 2 0 ऐड करो, 2 आ गया, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर इसके ऊपर वाला जोड़ो, बढ़ते चलो 5 1 6 और 4 10 और 1 11 5 16 लिखो 16 यहाँ पे, फिर देखो इसके ऊपर में 0 2 0 2 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर ऊपर में देखो 0 0 1 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर ऊपर में 0, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। और क्या बताया था, सबको 2-2 डिजिट बनाना है, तो इसके आगे 0 लगा दो, इसके आगे भी 0 लगा दो ठीक। उसके बाद क्या बताए थे याद है, बताए थे इस 5 को छोड़ देना है और जो आगे 0 उसको जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 0 2 होगा, फिर ये 2 को छोड़ देना, इसको 0 को ऐड कर देना है तो कितना हो गया 16, फिर 6 को छोड़ देना, फिर 1 को जोड़ देना तो कितना आ जाएगा 1, तो इसको ऐड करेंगे तो 0 5 होगा, फिर 5 को छोड़ देना, फिर 0 को ऐड कर देना तो 1 होगा ठीक है, मतलब 1 5 6 2 5 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो 125 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो होगा यहाँ वाला को पूरा लिखना है 1, और इधर जो जो छोड़े थे क्या छोड़े थे 5 6 2 5, तो 5 6 2 5 यही हमारा आंसर आ गया ठीक है। देखिए कितना आसान तरीके से हमने आपको डायगोनल मेथड सिखा दिया ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ठीक है, ताकि वो भी अच्छा तरह से परीक्षा में लिख सके ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब देखिए मान लीजिए 65 का स्क्वायर अगर निकालना है तो कितना, देखिए 2 डिजिट है, तो फिर वही काम करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2 हिस्सा में बांटेंगे, इधर 6 इधर 5 इधर 6 इधर 5 लिख दिए। उसके बाद बताए थे ना क्या करते हैं, इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दो बाबू आराम से, कितना होगा 6 6 6 6 6 36, यहाँ 3 और 6 लिखो, 6 5 30 3 और 0, 6 5 30 3 और 0, 5 5 25 2 और 5 देखो लिख दिए। अब क्या करना था वो तो आपको पता ही है, इस डायगोनल के नीचे क्या 5 5 लिखो, अब ये डायगोनल और ये डायगोनल के बीच में जोड़ो 0 2 0 ऐड करेंगे 2 होगा, फिर ये डायगोनल और ये डायगोनल के बीच में 3 3 6 और 6 12 हो गया, फिर ऊपर में कितना 3 है देखो ऐसे ठीक। उसके बाद बताए थे ना क्या करना है, क्या करना था बोलिए याद होगा, हाँ इसको डबल करना था तो डबल हो गया, इसको भी डबल कर दें, हाँ कर दो डबल। अब क्या करेंगे, इस 5 को छोड़ देना है, 0 को आगे जोड़ देना है, तो 0 2 आ गया, फिर इस 2 को छोड़ देंगे, फिर इस 0 को जोड़ देंगे तो 12 आएगा, फिर इस 2 को छोड़ देंगे, फिर 1 को जोड़ देंगे तो 4 आ गया, देखिए
क्या कर रहे हैं, एक में छोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, कितना आसान तरीका है। ठीक है चलो, तो क्या होगा बाबू फाइनली आंसर बता, तो कितना होगा यहाँ वाला को पूरा लिखा जाता है, चार हो गया, इधर क्या छोड़े थे दो, इधर क्या छोड़े थे दो, इधर क्या छोड़े थे पांच, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है चलो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक, और इस तरह का और भी अगर वीडियो देखना है तो इसका, तो अभी हम ये तो फर्स्ट पार्ट है रिवीजन का, अभी इसका सेकेंड पार्ट लेंगे, है ना। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स करके अगर बताएंगे, अच्छा अगर फीडबैक होगा तो इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्द ही लाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा देर में ही हम इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, बस हमें आपका कमेंट्स का इंतज़ार है, और हमें कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा होगा तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और इसको जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, ताकि इस तरह का और भी हम रिविज़न क्लास आपके लिए ला सकें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में नंबर आ जाए। ठीक है चलो, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।